आईपीएल में खेलने का सपना लिए लगभग दो साल के इंतजार के बाद कमलेश नागरकोटी को शनिवार यानी 26 सितंबर को डेब्यू करने का मौका मिला। साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ने के बाद अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए कमलेश को दो साल का इंतजार करना पड़ा। भारत के विश्व कप जीतने के बाद चर्चा में आए नागरकोटी को इंडियन T20 लीग की फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता ने 3.2 करोड़ रुपए देकर टीम में शामिल किया था। हालांकि चोट के कारण कमलेश नागरकोटी लगातार दो सीजन तक बाहर बैठे रहे, इसके बावजूद भी टीम ने उन पर भरोसा रखा और वो दो साल बाद आईपीएल में खेलने में सफल रहे। भले ही अपने पहले मुकाबले में उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन अपनी गेंदबाजी से उन्होंने सबको खासा प्रभावित किया। कप्तान दिनेश कार्तिक ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कमलेश नागरकोटी को अपना दमखम दिखाने का पूरा मौका दिया। ऐसे में आइए देखते हैं कि कैसा रहा उनका अब तक का सफर। एक इंटरव्यू के दौरान नागरकोटी ने बताया था कि एक ऐसा वक्त था जब आईपीएल में अपने दोस्तों को खेलते हुए देख वो रोते थे, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने उन्हें हिम्मत दी और आज वो खुद आईपीएल में खेल रहे हैं। इंडिया ए और अंडर 19 टीम के कोच पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ ने नागरकोटी से मिलकर उनसे इस मुश्किल समय में अहम सलाह दी थी। कमलेश नागरकोटी राहुल द्रविड़ की देखरेख में फिट हुए, उनका इलाज द्रविड़ की देखरेख में हुआ। कमलेश नागरकोटी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि राहुल द्रविड़ ने ही उन्हें कहा था कि एक या दो आईपीएल सीजन नहीं खेलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको टीम इंडिया के लिए खेलना है। राहुल द्रविड़ के इस बात ने कमलेश नागरकोटी के अंदर एक नया जोश भरा और इसके बाद इस तेज गेंदबाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमलेश नागरकोटी की उम्र महज 20 साल है और उन्होंने राजस्थान के लिए 9 लिस्ट ए मैचों में 11 विकेट झटके हैं। नागरकोटी ने साल 2018 में न्यूजीलैंड में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 9 विकेट लिए थे, जिसमें टीम इंडिया चैंपियन बनी थी। कमलेश नागरकोटी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं और यही उनकी ताकत है। इस गेंदबाज पर कोलकाता नाइट राइडर्स को भरोसा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।